ये पीछे बादल देखो, बना दिया ना हमने इंडिया में स्विट्जरलैंड। क्या बात है, क्या बात है। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ फिर से पहाड़ों में, नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मेरे साथ ज्वाइन कर लिया है जलंधर से हार्दिक शर्मा ने, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। हम जा रहे हैं जी इस बस में, ढाबे पर खाना है। और ये मेरा दोस्त जो जलंधर से बैठा है हार्दिक शर्मा। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा। सो बस यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे पियेंगे चाय। मैं ये वादियाँ, ये नदी, ये सब खींच के ले आ जाते हैं यार। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे पहाड़ों से। और रात को कोई 9 बजे के आसपास मैं अमृतसर से निकला हूँ, और अभी इस वक्त हूँ मैं मंडी। हमने कर ली अभी पेट पूजा, क्या ब्रेड बटर खाया एक, और साथ में चाय पी। और सुबह के लगभग बज चुके हैं, अब 6 बज चुके हैं। तो मैं बैठा था यार अमृतसर से, और इसका मुझे कॉल आया शाम को 6 बजे कि मनाली निकलना है, और 8 बजे की बस थी। और सीरियसली कोई मुझे पहाड़ों के लिए बोले और मेरे से ना, कभी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा भाई चलो निकलते हैं, और वो हाँ की। और सीधा ही हम कहाँ पे अभी? संबल मतलब मनाली के आसपास ही है, और वहाँ पे करेंगे लाइव सिंगिंग। ट्रिप्स हमेशा प्लान से नहीं बनते, कभी भी प्लानिंग से कुछ नहीं होता, जब दिल है बस निकल जाओ। तो मेरा दिल था और मैं आ गया, और काफ़ी टाइम से दिल था। और मनाली पहले आया हूँ, लेकिन पहले का एक्सपीरियंस कुछ अलग था, इस बार कुछ अलग एक्सपीरियंस करेंगे। ये थी हमारी सीटें, बड़ी कंफर्टेबल थी ये। पूरी बस खाली है। तो दोस्तों फाइनली मनाली, ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमान। टाइम हो चुका है 8:30 के आसपास, और अब मैं इस वक्त मनाली, और अभी देखेंगे होटल जाकर थोड़ा फ्रेश होएंगे, फिर थोड़े सा नैप नूप लेके शाम को निकलते हैं हम घूमने के लिए, और ये खूबसूरत वादियाँ निहारते हैं। क्या हवा है। तो हमारी सवारी आ चुकी है,
ये है मेरा ब्रेकफास्ट और इस वक्त मैं हूँ बहुत ही अच्छा कॉटेज है, मैं अभी आपको उसका टूर देता हूँ, थोड़ा मैं बस ब्रेकफास्ट कर लूँ उसके बाद मिलते हैं। ओह क्या खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, आज हम रुक रहे हैं यहाँ पर, ये है मनाली से 3-4 किलोमीटर पहले पड़ता है कॉटेज, और बहुत अच्छा फील है और बादल नेचर, और रात को यहाँ पे अलग ही माहौल है, लाइव म्यूज़िक करेंगे यहाँ पे, सिंगिंग करेंगे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया डन और अभी हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, यहाँ से सामने ही ट्रैकिंग है और यहाँ के स्टाफ ने बताया बहुत अच्छी ट्रैकिंग है, 1.5-2 किलोमीटर की ट्रैकिंग, 3-4 की होगी। बस अभी थोड़ा रेडी होके रूम में पहुँच गया, चेक इन कर लिया, रेडी होंगे और फिर सीधा ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। ये है जी नदी, पानी पूरा गुस्से में है इस वक्त, और बादल क्या बात है। तो दोस्तों हम रुके हैं इस वाले कॉटेज में, ये मनाली से 4 किलोमीटर पहले ही आ जाता है। तो गाइस अभी हम ना ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और बस ये सामने जो बादल दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर जाना है 4 किलोमीटर, और ये नदी पार करके नहीं जाना हमें, आगे एक पुल बना हुआ है इधर सामने वाली साइड, इधर इधर हम पुल से जाएंगे फिर सीधा यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा ट्रैकिंग हमारी होगी स्टार्ट। और ऊपर का वेदर ही अलग है, यहाँ पे धूप है, वहाँ पे छाव और बादल नीचे आए हैं, ये आपको मैं पहुँच के दिखाता हूँ वहाँ का माहौल, तब तक आप ये ब्यूटीफुल बादल नदी एंजॉय करो। सर भैया कहाँ से हो? पंजाब। पंजाब कहाँ से? पंजाब नवांशहर। ओके, हम भी पंजाब से ही हैं। तो ये भैया कर रहे हैं आज सर की हेड मसाज, कैसा लग रहा है? अभी तो स्टार्ट हो गया भाई। तो भी करा रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? 600-700 रुपए देते हुए। हाँ भैया कितने पैसे लेते हो मसाज के? हेड फुट नेक 350। 350। ओके, जो भी मनाली आ रहा है भैया से इनसे मिले, इनसे मिले और मसाज करे, अपने सारे कर्जे जो है उनकी टेंशन फ्री हो जाएगी आप। और हमारा कमीशन हमें प्लीज दे दें। हाँ। और सर को देख के दिल मेरा भी कर रहा है करवाने का भाई, यूट्यूब पे आ रहा तो फ्री में डलेगी तेरी तो। हाँ, काफी आपको मतलब ग्राहक मिल जाएंगे हमसे, कल हेड दी कराऊंगा मैं, ये मेरा मन किता। हाँ मैं भी हेड दी कराऊंगा। हाँ ना, हेड सही है। उस तो बाद सीधा ट्रैकिंग ऊपर सामने। भैया आपके पास ऑयल कौन कौन सा? दस्वीन। ये सारे ऑयल है ना? डाबर अम्बला, बादाम ऑयल। अच्छा, इसमें आपने पैक इसमें कर दिया ना सारे निकाल के पैक। सबसे बेस्ट कौन सा है हेड के लिए? कौन सा? क्या नाम है इसका? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल कौन सा? जैस्मिन। ओके, सही गल। हार्दिक देख भाई कितना कर रहे हैं, 1,00,000 रुपया कमाते महीना। नहीं मसाज वाले सिख प्रॉपर मनवांदी से रेडी 4 महीने इथे ला 4 लाख इथे ला ले पर फिर शो कौन लाऊ तू मामा 5000 रुपए की तेल 200 डब्बी का लगता
जैसमीन तेल लेके आना, जसलीन के जैसमीन जैसमीन ट्रांसफार्म चो भी निकलता हूं पहले तेल नाल कर पहला कैमरा वाला तेल नाल ते कर सारे इकट्ठे करने हैं गड्डी चला सी केबल पे ये ले सारी नाग ले दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी और आज हम जा रहे हैं अभी ट्रैकिंग करने। अभी यहां से निकलेंगे सिर्फ 5 मिनट में फिर सीधा। और ये पीछे बादल देखो बना दिया ना हमने इंडिया में स्विट्जरलैंड। क्या बात है, क्या बात है यार, जन्नत, क्या बात है यार, पहाड़ इश्क मेरे लिए, पहाड़ इश्क। यार ये पानी की आवाज़ सुनो, क्या बात है। कॉटेज बने हुए हैं बहुत अच्छा है यार, इसका मैं आपको सारी डिटेल्स नीचे डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना जिसने भी आना हो जैसे भी। हाँ जी रेडी हो? फिर झोंपड़ियाँ बंद करके अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पर। सेंटर लॉक थोड़ा सही लाओ। अच्छा कर जी। अब हम जाएंगे ट्रैकिंग पर और फिर वहाँ अच्छे अच्छे व्यू, वाटरफॉल, ये वो सब कुछ सब दिखाते हैं। चल लोगे तुम? अरे आराम से भैया, लग नहीं रहा भैया जी, हम सब पहली बार जा रहे हैं। मिलते हैं अभी सीधा ट्रैकिंग के लिए। तो हम रुके थे यहाँ पर और यहाँ पे भी गाड़ी लगाई और अभी ट्रैकिंग शुरू हो गई है हमारी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चढ़ते चढ़ते ना सांस चढ़ रही है, पर एक फ्लो बन जाएगा तो पहुँच जाएंगे। और यहाँ हम लोकल्स ने बताया कि गाड़ी ऊपर जाती है लेकिन हमें लगा गाड़ी नहीं लेके जानी चाहिए क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। किवें हार्दिक? सनस्क्रीन किस टाइम? बहुत ज़्यादा सांस चढ़ चुकी है। अभी जस्ट हम 500 मीटर भी नहीं आए और अभी 4-5 किलोमीटर और पड़ी है ट्रैकिंग। पूरी रात सफ़र किया और एक सेकंड भी नहीं सोके देखा, सीधा यहाँ पे आके ट्रैकिंग शुरू कर दी। टाइम हो गया 12 दोपहर के। अरे खूबसूरत खूबसूरत बादल वादियाँ देखते हुए बस मज़े में जा रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयाँ, थकावट का पसीना, ये ट्रैकिंग खून पसीने से कमाई हुई। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਾੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ,
उन्होंने पीछे नाल नाल जाना। ये है नेचर, क्या बात है। मेरी सारी थकावट दूर हो गई इस व्यू को देख के। ये हमारा साथ अब ऊपर तक देगा। क्यों ब्राउनी कैसा है, कैसा है ब्राउनी, कैसा है यार, कैसा है? मैं तो बैठ गया हूँ, मैं थक गया हूँ सच्ची, बहुत बुरी हालत है। इधर देखो, जूम नहीं हो रहा, इधर ही आ जा। चल ही नहीं रहे भाई, मैं तो कब से कह रहा हूँ चलो। तेरा कितना हाल है? वधिया मेरा तो ओके है, चलो मेरा वापसी। फुल एनर्जी, रेड बुल भी पूरी। यो यो कैसा लग रहा है? ग्लेन लिविट। कैसा लग रहा है भाभी जी, थक गए? भाभी जी साइन दे रहे पीस। मेरा ही आइडिया था, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, यही तो क्या उसे कहते हैं यार, इंग्लिश नहीं आती। कल तो लोड़ है, खलियां तो कल, खलियां तो उन्हें कल कढ़ने, कल जैस्मिन का तेल काम। कितना रह गया? 5 मिनट का रास्ता। कितना का? 7 मिनट लग जाएंगे। अच्छा बस, ये क्या पल्लम है? अच्छा, और ये सेब यहाँ के? सेब यहाँ के जी, बड़े आराम से जाना। ये खाते हैं आते वक्त नाशपति। ठीक है, ओके, गाना भी गाते हैं आपके साथ में? गाना, हाँ जी। गाना बजाना भी साथ में, ऊपर जाके गाएंगे, जाते जाते जाना था तब जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर सांस बोल ही नहीं हो रहा, गा कैसे गाएंगे, कैसे सांस नहीं चल रही है? बिल्कुल नहीं। ओए ब्राउनी, हमारे साथ ही आए ये रोज आते हैं, जो भी आते हैं साथ आते हैं रोज ही। अच्छा, रास्ता बता रहा हूं मैं, रास्ता बता रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं। कोई लाते हैं बिस्कुट, क्या है इसको खाने को देते हैं, इनको चलते हैं सारे को, इसको भी ऐसे लेके हैं। ये आप यहां से लोकल ही हो? अच्छा, तो आपका मतलब शहर में जाने का दिल नहीं करता? नहीं करता जी। अच्छा, जाने दिल नहीं करता? क्यों, यहां पे क्या अच्छा लगता है? शांति, शांति है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मतलब जो एप्पल्स हैं आपका खुद के बाग हैं? हाँ जी, खुद के बाग हैं, अपने बाग के बाग, एप्पल के भी, सेब के भी। ओके, नाशपाती ये कहाँ भेजते, कहाँ पे हो ये? ये सब मंडी जाते हैं। अच्छा, मंडी भेजते, फिर वो आगे अपने माल सीधा दिल्ली को जाता था ना? अच्छा, अब सर मंडी है पर रिकुल होते। अच्छा, तो ये वैसे कितने पे मतलब किलो के हिसाब से यहाँ जाते होंगे? आइडिया 80-90 तक जाता है। आप कितने में बेचते हो? फिर भी आइडिया नहीं, यहाँ नहीं, जैसे आप बेचते हो गए तो एक में शुरू शुरू में तो महंगा जाता है, 80-90 तक जाता। जैसे हमारे कई बार 300-300 रुपए किलो भी बिकते हैं। हमारे भी जाते हैं शुरू शुरू 300 तक जाते हैं। अच्छा, तो क्या 100 तक जाते सेब? अच्छा, सही है, चलो करते हैं आपके साथ डील हम। चलो थैंक यू आंटी जी, मिलते हैं वापस आते वक्त, और थैंक यू इनके लिए, बहुत टेस्टी है। सर अगर आपने हिसाब ले लिया सब तो चले। चलो सर चलो, मैं तो बिजनेस सोच रहा हूँ यहाँ पे एप्पल का करें। सही है, करिए करिए। मैं क्या ओके रिपोर्ट, ओए पूछ के खाईदा हुंदा। अच्छा जल्दी कैसे हो? राम राम। कितना रह गया भैया? बस क्या माहौल है ऊपर? अच्छा चलो सही है, आपके लिए तो आसान होगा ना ये यहाँ आते वक्त। अभी थोड़ा एक बार फ्लो में पहुँच जाए। अच्छा फिर आए हैं ना, कम करते हैं ना ट्रैकिंग वगैरह। अच्छा
ठीक है, चलो भैया आते वक्त मिलते हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? बढ़िया। फ्रूट्स क्या बात है, अभी हम नीचे से खा के आए, आते वक्त आपसे लेंगे, ठीक है जी? ओके। दोस्तों बस अभी भैया ने बताया सिर्फ थोड़ा सा रह गया ट्रैक, और ऊपर वाटरफॉल है, नज़ारे हैं, और एक मैं छोटा सा रास्ते का टाइम स्लैब बनाता हूँ, तब तक आप वो देखो। सीधा मिलते हैं हम मेन व्यू पर।